एक बार जर्मन बहरिया के सरबराह ने एक मुसलमान नौजवान से कहा, मैं तुम्हारे रसूल से बड़ा आदमी हूँ। नौजवान ने तहम्मुल से कहा, मेरा रसूल कौन है? जनरल ने कहा, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैसे बड़े आदमी हो? जनरल ने कहा, मेरे एक हुक्म पे ये 20,000 फौजी जो तुम्हारे सामने हैं 10 मिनट के अंदर सफ बस्ता हो जाते हैं। नौजवान ने कहा, अगर तुम्हारे सामने मुख्तलिफ उम्र के 20,000 लोगों को लाया जाए, उनको सफ बस्ता करने के लिए कितना वक़्त लोगे? जनरल ज़रा सोचते हुए बोला, अगर वो मेरी तरबियत याफ्ता होंगे तो 2 घंटे में सीधे खड़े हो जाएंगे। नौजवान ने लैपटॉप ऑन किया और हरम मक्का की नमाज खड़े होने का मंजर जनरल को दिखाया और कहा, तुम मेरे नबी की खाक बराबर भी नहीं हो। देखो, ये 3 मिलियन लोग हैं, इनको मेरे नबी का अदना सा इमाम एक बार कहता है सफ़ें सीधी करें, ये देखो कैसे कैसे सीधी सफ़ें बांधते हैं। हालांकि ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, इनकी उम्रें भी मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी, बच्चे और बूढ़े भी, मज़ूर और मरीज़ भी, मगर एक आवाज़ पर 1 मिनट में कैसे सफ बस्ता होते हैं। ये है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात और तरबियत का नतीजा। तो तुम मेरे नबी की खाक बराबर भी नहीं हो।